कातिगांव विधानसभा क्षेत्र 173 कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री दीपक जोशी पहुंचे मां नर्मदा के पावन तट पर। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की पुत्र पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार अपनी विधानसभा सीट कन्नौज खातेगांव पहुंचे, जहां खातेगांव में उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसी बीच दीपक जोशी ने भी दिलेरी दिखाते हुए विरोध कर रहे लोगों के बीच में जाकर उनसे चर्चा की। इसके बाद दीपक जोशी माँ नर्मदा के नाभि तीर्थ नेमावर में पहुंचकर माँ नर्मदा व भगवान सिद्धनाथ की पूजा अर्चना कर अपनी सुशासन यात्रा का आगाज कर विशाल काफिले के साथ नेमावर में रेत नाका स्थित रेंगा कोरकू की प्रतिमा पर मल्यार्पण कर बिजवाड़ विजेश्वर के लिए रवाना हुए। मंदिवारा से दीपक तिवारी की रिपोर्ट। पूछना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के जो विधायक हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? उनके घर में खाने के लाले थे, वो गन्ने का रस बेचते थे, उनका ऐसा कौन सा व्यापार है जिसके कारण आज करोड़ों की संपत्ति उनके पास है? बताएं मुझे, हिसाब दे। मेरे घर के पड़ोसी है, मेरे कनिष्ठ हैं वो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से जो हमारे साथी हैं हम उनको मनाने का प्रयास करते हैं, और एक घर में चार बर्तन रहते हैं तो बचते हैं आप थोड़ी बहुत। देखिए कन्नौज खातेगांव क्षेत्र देवास जिले का हमारा अंतिम छोर का गांव है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से हम इसे उज्जैन से कम नहीं मानते, क्योंकि बाबा सिद्धेश्वर के बाद हम जैन संत की तपोभूमि भी यह है। बहुत से हमारे ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही, माँ नर्मदा का नाभि स्थल है जिसे हम अपनी जीवनदायिनी कहते हैं मध्य प्रदेश की। लेकिन आज हम देखें कि कन्नौज खातेगांव क्षेत्र में जो व्यवस्था है वो सुशासन के रूप में स्थापित नहीं है। ये नेमावर आज पूरे विश्व के नक्शे पर अगर कहीं प्रदर्शित हुआ तो नेमावर का एक कांड के कारण, और वो कांड कहीं ना कहीं शासन की लापरवाहियों से हुआ था। 5 बच्चे लापता हुए, 1 महीने तक उनको खोजा नहीं गया। उन्हीं के परिवार की एक बच्ची ने जब लगातार प्रयत्न किया तब वो लाशें कहीं ना कहीं रेत से, नर्मदा माँ की रेत से निकली। ऐसे दृष्टिकोण में माँ की इस कोख को छलनी करने का काम शासन में बैठे नुमाइंदों ने किया, चाहे वो रेत को निकाल कर या नेमावर जैसे कांड करके। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ सुशासन की बहुत ज़रूरत है। सुशासन की स्थापना करना हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरा, सम्मानी कुंडल जी मेरे साथ बैठे हैं, आज से 20 साल पहले ये विधायक थे। तब जो कॉलेज, जो स्कूल उन्होंने स्थापित किया था, उसके बाद जो अस्पताल उन्होंने स्थापित किया था, उसमें एक भी ईंट विगत 20 सालों में नहीं लगी। यहाँ ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। ऐसे दृष्टिकोण में हमारे जो किसान भाई हैं, जो छोटी जोत के हैं, परिवार बढ़ रहे हैं, आज परिवार बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं उनको रोजगार की आवश्यकता है। रोजगारों में ही कान लगाने के बजाय उनको जिस धंधों में लगाया जा रहा, और उसमें भी भाजपा के नेताओं की संलिप्तता बड़ी तेजी से उजागर हो रही हो, चाहे रेत का धंधा हो, चाहे शराब का धंधा हो, चाहे ड्रग्स का धंधा हो। क्षेत्र का मतदाता अगर आपको मौका देता है तो क्या कार्य योजना आपके पास? मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी सुशासन की स्थापना, क्योंकि माँ नर्मदा का यह पावन तट है। इस पावन तट से हम पूरे देश को अध्यात्म का संदेश दे सकते हैं, और भारतीय संस्कृति हमेशा सर्वे भूमि सुखिना सर्वे संतो निरामय। दंत कांति से हमने करोड़ों लोगों